20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर पर चल रहे जवानों के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में अपना समर्थन देते हुए केंद्र सरकार को जवानों की मांगों को जल्द पूरा किए जाने को लेकर दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के बैनर तले 20 फरवरी 2023 से दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे जवानों के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार को जवानों की मांगों को जल्द पूरा किए जाने को लेकर सोमवार को पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जवानों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंच कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने बताया, हमारी पूर्व सैनिक जवानों की यूनियन है और हम पिछले काफी समय से जवानों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश आजाद होने से लेकर अभी तक जवानों के साथ लगातार भेदभाव और अन्याय होता रहा है, जिसके खिलाफ पूर्व सैनिक जवानों ने अपना आंदोलन बड़े ही शांति ढंग से जारी रखा हुआ है, जिसके चलते जंतर मंतर दिल्ली पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। हम जंतर मंतर पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का पूरा समर्थन करते हैं और तन मन धन से समर्थन देने का ऐलान करते हैं, और दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन के लिए जैसी भी हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी, हम अपने राज्य और जिले की तरफ से पूरा समर्थन करेंगे। और अगर केंद्र सरकार जवानों की मांगों को नहीं मानती है तो जवानों द्वारा सभी राज्यों के जवानों से चर्चा कर संसद का घेराव करेंगे। इस संबंध में मीडिया के समक्ष जवानों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। आज हम जंतर मंतर पे हमारे पूर्व सैनिक जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 40 दिनों से, उनके समर्थन के लिए दुर्ग जिला के तमाम पूर्व सैनिक, लगभग 8000 पूर्व सैनिक यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उनका समर्थन हम लोगों के साथ है। तो जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो रहा है और उनकी जो मांगे हैं, उन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं और हमें पूर्णतः विश्वास है कि हमारी मांग माननीय कलेक्टर महोदय के थ्रू माननीय राष्ट्रपति महोदय और डिफेंस मिनिस्ट्री को जाएगी और हमारी मांग जरूर पूरी होगी। हमारी मांग पूर्णतः शांतिपूर्वक है सरकार से और हमें पूर्णतः विश्वास है कि हमारी मांग पूरी की जाएगी, परंतु पिछले इनके रवैये को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि अगर मांगे नहीं मांगी गई तो हमारे लिए और भी ऑप्शन है। हम संसद भवन का घेराव करेंगे और ये जो आंदोलन है ये बहुत बड़ा लेवल पे होगा, क्योंकि जब सैनिक बोलता है तो सभी बोलते हैं, जब सैनिक रोता है तो ये सबका दर्द होता है। क्योंकि पहले बात तो हमें आज इस हद तक आना पड़ा, ये हमारी एक बहुत बड़ी हमारा कहना चाहिए कि हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य का दिन है कि हम ये सब मुद्दों को लेकर आए, क्योंकि हम सारे देशभक्त सैनिक हैं और ये हमें शोभा नहीं देता, परंतु हमारा भी परिवार है और उसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी मुख्यतः तीन मांगे हैं, जिसमें से वन रैंक वन पेंशन। वन रैंक वन पेंशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो होता है कि एक, आज मैं 20 साल सर्विस किया हूं और मैं सूबेदार मेजर हूं, तो मेरे ही रैंक का आज से 10 साल पहले रिटायर हुआ सैनिक और आज से 10 साल बाद जो होगा उनके तनखे में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि सैनिक सैनिक होता है, वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर बोलता है। एक बार जो सोल्जर हो जाता है मरते दम तक और मरने के बाद भी उनके पुरखे भी याद रखते हैं कि मेरे पिताजी मेरे रिश्तेदार सेना में थे। एक मांग तो ये होगी। दूसरा है मिलिट्री सर्विस पे। मिलिट्री सर्विस पे बेसिकली दिया जाता है हार्डशिप के लिए, जो विषम परिस्थितियों में हमारा सैनिक बॉर्डर पे खड़े होते हैं अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में, जैसे कि 45 डिग्री सेल्सियस में राजस्थान की तपती गर्मी में खड़ा रहता है और -32 डिग्री सेल्सियस में लेह लद्दाख के सर्दियों के थपेड़े खाता है। तो इन सब को देखते हुए मिलिट्री सर्विस पे होम मिनिस्ट्री के आर्म फोर्सेस को ना दे करके सिर्फ हमारे आर्मी सोल्जर्स को दिया जाता है कि ये लोग अनफेवरेबल वेदर कंडीशन में नौकरी करते हैं इसलिए। और तीसरा जो मुख्य मांग और ये है कि विधवा पेंशन प्लस डिसेबिलिटी पेंशन, जिसमें अफसर और जवानों के बीच में बहुत सारी विसंगतियां और बहुत सारे भेदभाव है, तो उन भेदभाव को और इन सब पॉइंट को लेकर के हमारी मांग थी, जो कि हमने कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन दे चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग पूर्व सैनिक हैं और जो हमारे दिल्ली में जंतर मंतर में पूर्व सैनिक जो बैठे हुए हैं वन रैंक वन पेंशन के बारे में ही उनको हम लोग अपना माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने के लिए आए थे, अपना राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी को ही और अपने डिफेंस मंत्री को हम लोग देने के लिए आए थे। हमारा जो मुद्दा जो है जो MSP है मिलिट्री सर्विस पे है वो हम लोगों का जो है बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। किसी का हम लोग का 5200 रुपया है, किसी का 10500 है, 15500 है, तो हमारे जो मांगे हैं सबका इक्वल होना चाहिए था। दूसरे में ही डिसेबिलिटी पेंशन, जो हमारे जो युद्ध के दौरान में ही
किसी से या कोई ऐसे हो जाता है तो उनको सबको बराबर मिलना चाहिए कि हम लोग क्योंकि सैनिक है और सैनिक हम लोग देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो सबको बराबर है, तो उसमें भी भेदभाव हो रहा है, उनको भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसमें भी सब लोग को बराबर मिलना चाहिए और उसी के लिए आए हुए हैं। और पहले बात तो हम लोग देश के सिपाही हैं, सैनिक हैं और देश के प्रति समर्पित हैं, तो हम लोग ऐसे नहीं अपना शांतिपूर्वक से अपना जो मांगे हैं हमारी जो सरकार को ही आप लोगों के चैनल के माध्यम से जाना चाहिए। और वन रैंक वन पेंशन जो हमारे जो सरकार ने जो दिया हुआ था, मोदी सरकार की देन है जो दिया हुआ है, और कुछ संगति जो हुए हैं उनको भी पूरा करने के भी हम लोग आप लोगों के माध्यम से करना चाहते हैं। अब आज का मुद्दा जो है नई दिल्ली में जंतर मंतर में हमारे सैनिकों द्वारा, पूर्व सैनिकों द्वारा जो रिटायर्ड हैं जितने, उनके द्वारा जो पूर्व में कुछ विसंगतियाँ हुई थी ओआरओपी में, तो उस विषय में हम लोग जहाँ वो वहाँ पर जो हड़ताल में धरना में बैठे हुए हैं उनको हम अपनी सहमति देने के लिए यहाँ पर भी जो है कलेक्टर महोदय को उसी लेटर के थ्रू जो है हम जो है अपनी सहमति दे करके अपना समर्थन जता रहे हैं, और इसीलिए हम जो है आज जो है संज्ञान में देने के लिए प्लस आपको लेटर जो है हैंडओवर करने के लिए आए थे। जवानों की लंबित मांगों को लेकर के अब अनिश्चितकालीन धरना अब जंतर मंतर पर लगातार जारी है। देखना होगा कि इन जवानों का यह धरना प्रदर्शन कितना कारगर साबित होता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।